हे गाइस, मेरा नाम अजय, मेरा नाम हरभजन सिंह और आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ऑन अ सोल टचिंग कुरान रेसिटेशन ऑफ सूरह अल कलाम द पेन। चलिए सुनते हैं। قالوا سبحان ربنا إنا
تحكمون ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان
So guys, this was the video, and as I said, it's a very amazing video, and the way it's been made is really helpful. Thank you to Masimul Servant to actually make this video. और जैसे कि ये सूरा अल कलाम है जिसमें बेसिकली ये समझाया गया है या जितना जो सूरा है बेसिकली इज़ टू इन्फॉर्म जो भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको उनके जितने भी दलीलें उनका जवाब और उनको एक तरह से एक वार्निंग है कि अभी भी लेट नहीं हुआ हैव फेथ बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर जब हमेशा क्या अगर दूसरों भगवान को पूज रहे हो या दूसरे आइडल्स को पूज रहे हो अगर वो कुछ कर सकते तुम्हारे लिए तो बताओ नहीं तो ऑफ कोर्स अल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल एंड द ओनली बीइंग जो आपकी लाइफ और आफ्टर लाइफ में आपके साथ रहे और स्टोरी जिसमें जो सीन जो वाक्य भी बताया वो गार्डन का वो बहुत सही था मतलब उन्होंने मैसेज दिया है गार्डन के बारे में कि ये गार्डन रहता है जिसमें सारे फ्रूट्स वगैरह लगे रहते हैं कि उसमें वो लोग गरीब आदमी को नहीं जाने देते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए खुदा या अल्लाह वो गार्डन को रातों रात जला देते हैं कि भाई किसी मतलब का हक नहीं तो आपके लिए भी नहीं किसी का हक नहीं किसी का हक मत मारो अगर आप हो सके तो मिल बांट के खाओ एग्जैक्टली और जिसका है उसी को उसका हक उस पर बनता है तो उनका बोलने का मतलब वही है कि किसी से ज्यादती मत करो तो यही पैगाम दिया गया है ये सब के साथ अच्छी तरह रहो हर सूरह के अंदर आपको कोई ना कोई तो मैसेज जरूर है कि आप नेकी करो और नेकी करके आप अपनी ये वाली लाइफ और आखिरत की लाइफ सुधार लो एग्जैक्टली तो बहुत ही अच्छा दिस इज आई थिंक सूरह 68 जो है कुरान बट बहुत अमेजिंग वीडियो एंड थैंक यू टू मर्सीफुल सर्वेंट टू मेक दिस वीडियो गाइस प्लीज सजेस्ट सम मोर वीडियोस लाइक दिस टिल देन डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टेक केयर गाइस